अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप पे आप त्वचा देखकर आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको इस ऐप में बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर बहुत से फीचर मिलेंगे जिसमें आप अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए अलग ये इंग्लिश के क्लासेस आप इस ऐप में आपको मिल जाएगी। अगर आप ये यूनिवर्सिटी के कॉलेज के हर इन्होंने कैटेगरी में हर लेक्चर इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, इस ऐप में आप इस ऐप में त्वचा देखकर आप बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किया चलिए। कर लेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा हेलो इंग्लिश लर्न इंग्लिश। आपने सिंपली इसे ओपन कर लेना और यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास सिंपली यहाँ पर ओपन का बटन शो होगा। ओपन सिंपली आपने सिर्फ ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जब आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी आपकी लैंग्वेज है, आपकी नेशनल लैंग्वेज या फिर जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज ये मेरी लैंग्वेज उर्दू है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज कोई हो रहा है जैसे अरबी इधर मिल रही है या चाइनीज़ वगैरह मिल रही है, फ्रेंच, अगर आपकी ये लैंग्वेज आप इस लैंग्वेज से इंग्लिश में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप इस ऐप में सीख सकते हैं। सिंपली मैं उर्दू लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरी लैंग्वेज उर्दू है। सिंपली आप मैं उर्दू के बटन पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हो कि ये मैंने उर्दू पे क्लिक किया तो ये कितना अच्छा इंटरफेस यहाँ पे शो हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है अपना जेंडर मुंतखब करें, ये ज़ाती तौर पे आपको सीखने में मदद करेगा। आप अगर यहाँ पर फीमेल है तो आपने सिंपली फीमेल पे क्लिक करना, अगर मेल है तो सिंपली मेल पे क्लिक कर देना। जैसा कि मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपना अवेटर चुनिए, ये ज़ाती तौर पर आपको सीखने में मदद करेगा। अभी यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो हम सिंपली स्कूल पे करना है, ये नहीं कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हो आपने कॉलेज पे कर देना है। अगर आप कॉलेज में करेंगे तो आपको कॉलेज के हिसाब से इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो अगर आप जिस में पढ़ते हैं, अगर आप वर्किंग करते हैं तो आपने वर्किंग पे, अगर रिटायर्ड हो गए आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो रिटायर्ड पे क्लिक करना है। सिंपली मैं अभी स्टूडेंट के पे क्लिक करूँगा, स्कूल पे क्लिक करना है करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोला जाएगा कि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आप किस लिए इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने एक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर बेटर ग्रेड्स या बेटर इन जॉब के लिए, एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह के लिए, बैरून मुल्क यानी आपको अगर कोई बाहर मुल्क जा रहा है जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ इंग्लिश यूज़ होती है उसके लिए, बेहतरीन माशरती ज़िंदगी के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए या अंग्रेज़ी फिल्मों को के लुक उठाने के लिए। सो सिंपली आपने कोई जिस आप काम के लिए आप ये सीखना चाहते हो उस पर क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं एग्ज़ाम टेस्ट फॉर बेटर ग्रेड पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अपने पर्सनलाइज सबक के लिए अपना नाम टाइप करें। आपने सिंपली यहाँ पर अपना नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद आपने सिंपली अपना ये नेक्स्ट के बटन पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर अब आपका ये ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है हेलो नवान फ्रेंड, आपके कोर्स को आपके मुताबिक बनाने के लिए हमें आपके अंग्रेज़ी सतह जानने की ज़रूरत है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जब आप नया नया ऐप वर्क करने ये ऐप को ऑन करेगा तो आप को यहाँ पर आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के बुनियाद पर आपको ये इंग्लिश सिखाए गए। आपने सबसे पहले यहाँ पर अंग्रेज़ी टेस्ट लिए पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा जा रहा है मुनासिब लफ्ज का इंतखाब करें जगह पूर के लिए, दे डू नॉट हैव चॉकलेट। आपने सिंपली यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर होगा उस पर क्लिक कर लेना है। आप दे डू नॉट हैव सम चॉकलेट क्लियर कर लेना है। आपने ऐसे ही आपने ये क्लिक करते जाना। मैं अभी वैसे ये अपने से लगाए जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। सिंपली जैसा कि देख सकते हैं मैंने सारे लगाए हैं, ये मैंने पढ़े तक नहीं है कि ये इसमें क्या लिखा हुआ था। सिंपली आपने ये सारा पढ़ के आपने सही आंसर आपको जो पता होगा आपने उस पर लगा देना है। आपसे सिंपली इसके बुनियाद पर आपसे ये क्या कहते हैं आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी इंग्लिश। सिंपली टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा योर इनिशियल लेवल इज लेवल इज लेसन वन नंबर वन। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जल्दी जल्दी में लगाया, मैंने यानी गलत लगाया तो ये मेरे शुरू से मुझे सारा कुछ सिखाया जाएगा। तो सिंपली कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी प्रो मेंबरशिप ट्राई करें।
हाँ, एक हफ्ता मुफ्त हमें इसमें ऐप में पढ़ाया जाएगा, पेशकश महदूद वक्त के लिए है। यहाँ पर आपने सिंपली टेस्ट के लिए ये मेरा प्रो फ्री प्रोविजन शुरू करें, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, या फिर अगर आप ये दूसरे ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं जिसमें लिखा गया है नहीं मैं सीखने के लिए लिमिटेड वर्जन चुनूंगा, यानी आप इन दोनों में जिस पे भी चाहे उस पर आप उससे आप ये अपनी इंग्लिश सीख सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर लिमिटेड पे क्लिक करता हूँ। इन पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप सबर नंबर वन में आपने नाम आपको सहाया जाएगा नाम पूछने का तरीका। अगर आप यानी आपके लेसन नंबर वन में आपको बताया जाएगा कि आप किसी से दूसरे बंदे से नाम कैसे पूछ सकते हो और उसे अपना नाम कैसे बता सकते हैं, और ऐसे दूसरे में बताया जाएगा प्रोग्राम सबक नंबर वन ये पर गेम खेले, नाम पूछना और बताना सीखिए पर स्पेलिंग ही गेम, यानी ये आप इसमें आपको गेम की तरह यहाँ पर समझाया जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत से मेथड मिल जाएंगे इंग्लिश सीखने के। यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है सारे इस बाग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे इस बाग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपने सिंपली आपके रोज़ाना के एक सबक भी पढ़ेंगे तो आपकी बहुत जल्द इंग्लिश सीख लेंगे। जैसे मैं सबक नंबर वन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम पूछो और बताना सीखिए, तो सिंपली आपने यहाँ पर सबक लीजिए पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नाम पूछना और बताना सीखिए, सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे कहा जाए इस सबक में आपको आप 13 कॉइन 100 बोनस पॉइंट जीत सकते हैं, सिंपली आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको कितना अच्छी तरह समझाया जा रहा है, माइंड का अलहदा आपको वर्ड ये मीनिंग बताया जा रहा है, नेम का अलहदा आपको बताया जा रहा है, इज़ और सबा अलहदा अलहदा आपको सबका बताया गया है। यहाँ पर आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, आपने सिंपली माइक है तो यहाँ पर माइक का बटन बना हुआ है, आप माइक के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये माई भी बोला जाएगा, जैसा कि मैं क्लिक करता हूँ। सॉरी ये मैं यहाँ पर अभी बोला नहीं जा रहा, अभी मैं ये बाद में बात करते हैं कैसे आप इसमें ये आवाज़ सुन सकते हैं इनकी। सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं माय नेम इज़ सबा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो सिंपली आपने आप कंटिन्यू क्लिक कर देना। यहाँ पर लिखा आ रहा है मेरा नाम सबा है, अंग्रेजी में लूज जुमला चुनी है, यहाँ से आप जो भी इसका सही सेंटेंस होगा आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना, जैसा कि माय नेम सबा है यहाँ पर सिंपली आप कंटिन्यू क्लिक कर देना है। इस इश्तिहार की मदद से याद तली मुफ्त है, यहाँ पर आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना, और यहाँ पर आप कहा जा रहा है मेरा नाम, इसे आपने यहाँ पर आपको ये हाईलाइट करके बताया जा रहा है कि पहले माइक करें, अब आप मेरा नाम अब आपने सिंपली अगला लफ्ज करना है माई नेम मेरा नाम, अब आपने ऐसे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं जैसे माई नेम सबा, यहाँ पर डैश अब डाल दी गई, यहाँ पर सिंपली आपने इज आएगा, आपने सिंपली ऐसे आप यहाँ पर डेली कई के सबक लेके आप यहाँ से इंग्लिश बहुत अच्छी सीख सकते हैं। यहाँ पर और भी आपको बहुत से ये सबक मिल जाते हैं, जैसे सबक नंबर टू में हेलो आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ वगैरह बोलना सीखिए, और सबक के आखिरी में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या सिखाए गए। ये यहाँ पर आपको सबक नंबर 25 में बताया जाएगा वर्ब की शक्लें सीखिए, और यहाँ पे सबक नंबर 25 के बाद आपके पास फेज शुरू हो जाएगा जिसमें आपको थोड़ी प्रोफेशनल इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स अगला आता है ऑप्शन प्रैक्टिस का, यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको जब आप इस बाग सारे पढ़ लेंगे तो आपसे यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं, यहाँ पर न्यूज़ मिलेगी, आपने सिंपली इन्हें कंप्लीट करना है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपली मैं बैक पे चले जाता हूँ। यहाँ पर अगला आता हो जाए ऑप्शन आता है प्रीमियम, यहाँ पर सिंपली आप अपने अगर ये आपको ऐप पसंद है तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाय करेंगे तो और फीचर आपको मिल जाएंगे। और सिंपली अगला ऑप्शन आता है डिक्शनरी का, यहाँ से आप अपने डिक्शनरी में आप अल्फाज के मायने भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोड मोड पर क्लिक करके आपको बहुत से मिल जाएंगे। अगर आपने किसी का भी मायने देखना है सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना आपने, और यहाँ पर आपके पास मायने आ जाएगा, जैसे एक्ट का एक्ट ही माइनस मायने होता है, और यहाँ पर आपको उसका नीचे आप देख सकते हैं मायने के साथ आपको वर्ब भी बताया जाएगा और उसका नाउन भी बताया जाएगा। जैसा कि मैं किसी और पे क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं एक्यूट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूट का मायने बताया गया शदीद, और यहाँ पर आपको एक्यूट का यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बताया जा रहा, सिंपली आप यहाँ पर डिक्शनरी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई इधर से वर्ड ढूंढना है तो सिंपली यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करके आप यहाँ पर कोई भी मायने ये सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ
जैसे मैंने अवेटर सर्च, अभी अवेटर पूरा भी नहीं लिखा, यहाँ पर आ गया है। सिंपली क्लिक करके आप देख सकते हैं अवेटर का मैंने उतार लिखा हुआ है यहाँ पर। इस तरह आप यहाँ से बहुत अच्छे ये इंग्लिश सीख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर होमवर्क, आपको डेली का होमवर्क भी मिलेगा, जैसा कि आपका आज का होमवर्क है। आपने सबक नंबर 1 लेना है, सबक नंबर 1 पर गेम खेले और सबक नंबर 1 पर गेम खेले। आपने ये आपने रोज़ाना आपने एक सबक लेने हैं। अगर आप यहाँ से सबक नहीं लेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आपने सिर्फ रोज़ाना यहाँ से ये इनका होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। आप यहाँ से बहुत अच्छे ये इंग्लिश सीख सकते हैं सिंपली। अगर यहाँ पर आप जैसे 3 बार आपको शो हो रही होगी, यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स रेफर कर सकते हैं, बता सकते हैं ये ऐप के बारे में। यहाँ पर आपको अगर आप अपना इधर से ऐप इंटरफेस लैंग्वेज आप मिल जाएगी ऐप के आवाज़ जांचे, आप इसके ऊपर पहले क्लिक करें। और यहाँ पर अगर आपकी आपकी ये आवाज़ में मसला आ रहा है, या फिर अगर आपको जैसे मुझे आवाज़ नहीं भी आ रही थी, मैंने आपको बाद में कहा था बाद में बताएगा, सिंपली आपने यहाँ पर डाउनलोड नाउ पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। अभी मैं बाद में से डाउनलोड कर लूँगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आया होगा, आपको भी आएगा, और सिंपली आस्क टीचर के नाम से मैसेज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर लिखा हुआ फ़ोन पर आवाज़ का इशू ठीक करें, जैसा कि मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही, तो इन्होंने बताया हुआ कि ये आवाज़ कैसे ठीक कर सकते हैं। सिंपली वो जैसे मैंने आपको बताया वो सॉफ्टवेयर आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ सही हो जाएगी। यहाँ पर उसका लिंक भी उन्होंने दिया हुआ है, सिंपली यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।